ये जो पिछले दिनों प्रदेश के अंदर बर्फबारी व भारी ओलावृष्टि व वर्षा से जो सेब व अन्य फलों तथा फसलों को नुकसान हुआ उस पर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस क्षति का जो है तुरंत आकलन कर किसानों और बागवानों को जो है मुआवजा प्रदान करे और इसके साथ साथ जो किसानों और बागवानों के ऋण है उनकी वसूली पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ यदि हम देखें केवल मात्र एक फौरी आकलन के तहत जो सेब की फसल प्रदेश के अंदर है वो जो है 70% जो है वो इस बर्फबारी भारी ओलावृष्टि व वर्षा में जो है वो बर्बाद हुई है और इस आकलन के तहत जो है करीब 2000 करोड़ का नुकसान केवल मात्र जो है सेब की फसल को जो है वो नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ समिति मांग करती है कि जो प्रदेश सरकार पहले कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से फफूंदी नाशक कीटनाशक बीज खाद व अन्य लागत वस्तुओं पर जो सब्सिडी दिया करती थी वो गत 2 वर्षों से जो है प्रदेश की सरकार ने जो है उसको समाप्त कर दिया है। तो समिति मांग करती है कि तुरंत जो है ये कृषि विभाग और बागवानी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार जो है ये कीटनाशक फफूंदी नाशक बीज खाद व अन्य लागत वस्तुओं को जो है सब्सिडी देकर जो है वो किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराए ताकि किसान जो है तुरंत स्प्रे और जो अन्य कार्य है वो कर सके और इस नुकसान को कम कर सके। और इसके साथ साथ यदि हम देखें प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों में जिसमें शिमला जिला मंडी कुल्लू किन्नौर चंबा कांगड़ा सोलन सिरमौर जिलों के अंदर जो है ये भारी वर्षा और ओलावृष्टि से लगभग फसलें जो है वो बर्बाद हुई और किसानों को एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है और इसके चलते आज जो किसान पहले ही कोरोना काल के चलते जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है इस क्षति के चलते जो है ये संकट और गहरा हुआ है। तो प्रदेश सरकार को जो है तुरंत किसानों की सहायता के लिए जो है किसानों को इस क्षति की पूर्ति के लिए जो है मुआवजा देने के लिए तुरंत जो है आगे आना चाहिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश सरकार ने इतने दिन बीतने के बावजूद भी अभी इस नुकसान का आकलन करने के लिए कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें आज जो मुख्य आर्थिकी प्रदेश के अंदर है वो सेब की अर्थव्यवस्था जो है वो है और इस प्राकृतिक आपदा के चलते जो है भारी नुकसान जो है हुआ है। तो इसलिए किसान संघर्ष समिति प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो है मुआवजा जो है वो किसानों बागवानों को दिया जाए उनके ऋण वसूली पर जो है रोक लगाई जाए और ये जो सब्सिडी कृषि और बागवानी विभाग से जो सरकार ने बंद की है उसको तुरंत बहाल करके किसानों व बागवानों को सस्ती दरों पर जो है वो लागत वस्तुएं दिए जाए। अन्यथा आज ये दशा किसानों और बागवानों की होगी है कि किसानों और बागवानों को 8 से 10 गुना कीमत पर जो है वो बाजार से जो है ये कीटनाशक फफूंदी नाशक व अन्य लागत वस्तुएं खरीदनी पड़ रही है जिससे जो छोटा और गरीब किसान है वो बिल्कुल भी इनको खरीद नहीं पा रहा था। इसलिए सरकार को जो है तुरंत आगे आकर किसानों और बागवानों को राहत जो है प्रदान की जाए ताकि इस आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान और बागवान जो है उनको कुछ राहत प्रदान हो सके।